आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत के बारे में बातचीत करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप, श्री संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी वो नाम है, वो ब्रांड है, वो शख्सियत है जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान के चेहरे पे एक हंसी आई है, एक मोटिवेशन आया है और एक अंदर से मजबूती आई है। मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि संदीप माहेश्वरी अपने आप में एक कोर्स है और मैं उनके बारे में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उनकी शख्सियत के बारे में और बातचीत हम लोग करेंगे और एक नए तरीके से जानेंगे संदीप माहेश्वरी को। मैं छोटा सा वृत्तांत उठाता हूँ और बताता हूँ आपको कि संदीप माहेश्वरी जो बात कहते हैं ना, वो मॉडर्न बुद्धा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, मॉडर्न बुद्धा श्री संदीप माहेश्वरी जी। उनकी बातों को समझने के लिए पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, मोटिवेशनल तरीके से, अंदर के तरीके से, आध्यात्मिक स्तर पे, क्योंकि एक बहुत ही बड़े शख्स हैं वो, बहुत बड़ी शख्सियत है उनकी और इतनी बड़ी शख्सियत को सुनने के लिए हमें कहीं ना कहीं एजुकेट होना होगा। और आज दोस्तों जो मुद्दा उछल के आया है कि क्या वो YouTube छोड़ने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, श्री संदीप माहेश्वरी ने कभी नहीं चाहा है कि उनके वीडियो पे कोई ऐड चलाया जाए और कुछ YouTube की पॉलिसियां अभी आई है, लॉन्च हुई है, जिसकी कारण से कि अगर YouTube चाहे तो किसी भी वीडियो पे अपना ऐड दिखा सकता है और यही संदीप माहेश्वरी जी हट हुए हैं। कहीं भी वो कभी भी लाइफ में उन्होंने नहीं चाहा है कि उनके वीडियो पे कभी कोई ऐड चले। उनका मानना ये है कि जब भी कोई वो बातें कह रहे हो, कुछ अंदर की बातें डेप्थ तक जा रही हो और जब वो बोलते हैं तो वो कभी भी चाहते हैं कि किसी तरीके का कोई ऐड ना चले। और शुरू से ही उनकी फिलॉसफी उनकी रही है जिस वजह से लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं और YouTube की नई पॉलिसी आने की वजह से संदीप माहेश्वरी जी बहुत आहत हुए हैं और वो YouTube छोड़ने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन ये खबर वो खुद देंगे, अपने मुँह से देंगे। फिलहाल वो अपने वेबसाइट पर SMT TV के नाम से एक उनका वेबसाइट है जिन पे जाके आप उनके नए वीडियो को देख सकते हैं। मैं सिर्फ यही चाहूँगा YouTube से कि एक फ्रीडम ऑफ पॉलिसी रहनी चाहिए, जो संदीप माहेश्वरी जी ने सोचा है वो फ्रीडम पॉलिसी रहनी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।